आज ब्रह्मचर्य चैलेंज का 3 दिन पूरा हो जाएगा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि युवा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भले ही वह 1 महीना या 2 महीने तक ही कर पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। युवा प्रयास तो कर रहे हैं और एक दिन पूरा भारत ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में दोबारा जान पाएगा, क्योंकि पहले के लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन अभी 100 साल हो चुका होगा, लोग ब्रह्मचर्य को भूल रहे हैं और आज के मॉडर्न लोग तो ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। लोग ब्रह्मचर्य को भूल ही गए हैं। इस चकाचौंध वाली दुनिया में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष पाना होना चाहिए, क्योंकि आज जो काम यहाँ धरती पर कर रहे हो सभी का हिसाब होगा, इसलिए मृत्यु के बाद भी कुछ इकट्ठा कर लो आप लोग। ब्रह्मचर्य से आप मोक्ष पा सकते हो, ब्रह्मचर्य से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मुझे पता है जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने लाइफ में गोल को अचीव करना चाहते हैं। मुझे ये भी विश्वास है अगर आप ईमानदारी से अपने गोल के लिए मेहनत करोगे तो आप उसे हासिल भी कर लोगे। जब एक युवा किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो सोचता है वाह कितनी सुंदर स्त्री है, वहीं जब एक बूढ़ा आदमी सुंदर स्त्री को देखता है तो वह सोचता है कि यह तो सिर्फ हड्डी का एक शरीर है, मांस का शरीर है, इससे क्या आकर्षित होना। तो आप सब भी इस प्रकार सोचो कि यह जो शरीर है ये तो बहुत गंदा है, इस शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। आप खुद अपने शरीर को देखो, इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है, मल मूत्र मवाद सब भरा हुआ है। इसलिए शरीर यानी चमड़ी को देखकर आकर्षित मत हो, वासना बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, सच्चाई से दूर कर देती है और आपके हार्मोन सब कुछ करते हैं जो अच्छे वाली फीलिंग आती है, हार्मोन के चलते ही आती है। और आपकी तबीयत बहुत ख़राब है तब आपको ये अच्छी फीलिंग नहीं होगी, चाहे आप कितना भी सुंदर शरीर को देखो लेकिन आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि इस मोह माया से बचो, नहीं तो आपको अच्छे से पता है लोग इस शरीर के लिए, मांस के लिए, चमड़ी के लिए लोगों का जान ले रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं एक दूसरे के प्यार में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो ब्रह्मचर्य करके देखो आप लोग, कितना मज़ा आता है, जिंदगी जीना आप सीख जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको डिसिप्लिन, अध्यात्म, ज्ञान, मोक्ष सब कुछ देता है। बस आप अपने आप को उस योग्य बना लो। 120 दिन का अभी हम ब्रह्मचर्य चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बार जो नए लोग हैं वो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जो लोग पहले से कर रहे हैं ब्रह्मचर्य वो कमेंट में जो उनको फ़ायदा हुआ है वो ज़रूर लिखें, ताकि जो लोग नए हैं वो कमेंट पढ़कर मोटिवेट हो सकें। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।